हिमाचल में चुनाव को लेकर बीजेपी सभी जिलों में तेजी से कार्य कर रखी है। वहीं ऊना में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक है। इस मौके पर विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनुसूचित जाति मोर्चा के लिए शुरू किए जा रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा की। इस दौरान सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस एक डूबता जहाज बन चुकी है और हालात ये है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता भी लोकसभा चुनाव लड़ने से किनारा कर रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनावों के लिए पूरे प्रदेश के अंदर पिछले लगभग 6 महीने से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। अलग अलग मोर्चे, अलग अलग प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी का मूल संगठन, अलग अलग तरह के कार्यक्रम जो पार्टी ने बनाए हैं उनको अमली जामा पहनाने के लिए मोर्चों की मीटिंग की जाती है। आज जिला भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की मीटिंग है। इसके अंतर्गत जिला के अंदर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन को बढ़ाया जाए, बीजेपी को कैसे मजबूत किया जाए और एमपी के इलेक्शन में पिछले सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करके हम लोग 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते हैं, तो उसकी तैयारी में हम लोग लगे हैं और हर सीट के ऊपर भाजपा ऐसे लगी है। तो इस हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लीड लेकर के जाएँ, तो उसकी तैयारी के लिए आज ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में आगे की योजना बनाई है। आने वाले टाइम में एससी मोर्चा हर बस्ती में जाकर के, अपने एरिया में जाकर के, अपने रिश्तेदारी में जाकर के भाजपा के लिए समर्थन जुटाएं।